गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 30 मार्च है और हमारे देश के हर स्टेट में जो जंग लड़ा जा रहा है, जिसमें आप और हम भी शरीक हैं, इसको जीतने की तैयारी, इसको जीतने की उम्मीद और इसको जीतने के लिए की गई सभी कोशिशें केवल एक बात पर डिपेंड करती है कि आप और हम सोशल आइसोलेशन, घर में रहना कितना इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रगुजार हूं आपका, खास करके उन लोगों का जो अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया कि घर में रहकर ही इबादत करें और बाहर किसी रिलीजियस प्लेस में जाकर इकट्ठे एक जगह जमा न हो। आप जानते हैं कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जब दूरियां कम रहती हैं, जब नजदीक आते हैं, तो ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में चला जाता है और फिर वो आपके साथ आपके घर चला जाएगा, आपके बच्चों को भी परेशान करेगा। तो इसीलिए आप लोग सब जो घर में रहकर इबादत किए, पूजा किए, प्रेयर किए, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरे देशों में जो भी स्थिति हो रही है, टीवी से आपको खबर मिलता होगा, इटली और स्पेन और अब अमेरिका, ये तीन देश बहुत बुरी तरह परेशान हैं और इनकी परेशानी की वजह यही है कि शुरू में इन्होंने बहुत लाइटली लिया। इटली में 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,00,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 पॉजिटिव टेस्टेड हुए हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। कल इटली के हेल्थ मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू इंटरनेट पर मैंने देखा और इटली के हेल्थ मिनिस्टर साहब ने यह कबूल किया कि अगर 1 वीक पहले वो अपना लॉकडाउन शुरू कर देते तो शायद ये 10,000 लोगों की मौत नहीं होती। लेकिन अब उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते से इटली में जो लॉकडाउन चल रहा है, उसका इंपैक्ट अब अच्छा होगा, अब आगे केसेस कम आएंगे। तो इससे आपको और हम लोगों को सबक मिलता है घर में रहना कितना जरूरी है। स्पेन में एक दिन में 800 नए केसेस आए हैं, इसीलिए स्पेन की गवर्नमेंट सोशल मूवमेंट को चेक करने के लिए अब एक नया, कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, कल आपने हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का प्रेस मीट भी देखा। तेलंगाना स्टेट की तरफ से टॉप प्रायोरिटी कोविड-19 वायरस को कंट्रोल करना है और इसके साथ जो जुड़ी हुई मसले हैं वो भी टॉप प्रायोरिटी हैं। कल हमारे सीएम साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जितने भी लोग हैं हैदराबाद में या तेलंगाना में, जो बाहर से आए हुए लेबरर्स भी हैं, वो सब तेलंगाना के बच्चे हैं और ये हम सब की जिम्मेवारी है कि एक भी इंसान भूखा नहीं रहे। सीएम साहब का ये अपील और ये सीएम साहब का ये स्टेटमेंट, ये हम लोगों के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल है और पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग हर वक्त मौजूद हैं। अगर कहीं भी आप लोग को रिपोर्ट मिल रहा है कि कुछ लोग भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, आप कोविड कंट्रोल में नंबर करिए, हमारे ईमेल जो आप लोग को दिया गया है उस पर बताइए, सोशल मीडिया पर बताइए, डायल 100 पर बताइए, 108 पर बताइए, जहां भी आपको जो सुविधा है, और कुछ नहीं तो लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल सेक्टर SI, पेट्रोल कार, ब्लू कोल्ड, किसी को भी बता सकते हैं और हम लोग अरेंज करेंगे।
ये बहुत जरूरी है। हैदराबाद में रहने वाला एक भी इंसान, बच्चा, बुजुर्ग भूखा नहीं रहे, ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है। जहां तक हैदराबाद में एनफोर्समेंट का सवाल है, तो कुछ एरियाज में परचेजिंग के नाम पे कुछ लोग जमा हो रहे हैं। मैं उन लोगों को फिर से अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और ये लॉकडाउन तभी सक्सेसफुल होगा। आने वाले कुछ फेस्टिवल में हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने उस प्रोग्राम को कैंसिल करने की अनाउंसमेंट की है, प्रोसेशन को, प्रोसेशन की, तो उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम एनजीओस को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर गरीबों को खाना खिला रहे हैं। लॉकडाउन के सिलसिले में कुछ केसेस ब्लैक मार्केटिंग के बाहर आए हैं और कल भी एक केस बुक हुआ जिसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए। इसलिए अगर आप लोगों को कहीं ब्लैक मार्केटिंग का रिपोर्ट मिलता है तो आप फौरन लोकल पुलिस स्टेशन को खबर करें। इसेंशियल सर्विसेज के मूवमेंट के लिए केवल हैदराबाद में लगभग 10,000 से ज्यादा पासेस इशू हो चुकी हैं। फिर भी अगर किसी को इसेंशियल सर्विसेज या गुड्स के मूवमेंट के लिए पासेस नहीं मिला है तो वो पुरानी हवेली या बशीरबाग ऑफिस में आकर ले सकते हैं और ईमेल पर भी उनका सिस्टम है जो कि आप लोग को मालूम है, ईमेल से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे मौके पे मैं उन लोगों को वार्निंग देना चाहता हूं जो फेक न्यूज सर्कुलेट करते हैं। कुछ लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस की के आवाज में कुछ बात करते हैं, कुछ लोग किसी लीडर्स की आवाज में बात करते हैं। मैं उन सबको वार्निंग देता हूं कि आप लोग अरेस्ट होकर जेल जाओगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक प्रिवेंशन एक्ट, हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट और एक पूरी चैप्टर है इंडियन पिनल कोड में पब्लिक हेल्थ के लिए, उसमें पुलिस को बहुत पावर्स है और कोई भी न्यूज चैनल अगर इस तरह की र्यूमर्स को स्प्रेड करेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हैदराबाद में कोई रेड जोन नहीं है, हैदराबाद बिल्कुल नॉर्मल है। ये रेड जोन का खबर भी बिल्कुल बकवास है और कुछ मीडिया चैनल ने इसको दिखाया है, उनको मैं आज लीगल नोटिस भी भेज रहा हूं। ऐसे मौके पे टोली चौकी में एक दो सुपरमार्केट के खिलाफ केस बुक हुआ है जो चीजों को काफी महंगे रेट पर बेच रहे हैं, तो उनके मैनेजर, उनके ओनर, उनको अरेस्ट करके जेल भी भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के तरफ से एनफोर्समेंट का काम चल रहा है। जो लोग वायलेट कर रहे हैं रूल्स को, वायलेट कर रहे हैं लॉकडाउन को और बिना इसेंशियल काम के इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी गाड़ी भी सीज कर ली जाएगी। दोस्तों, आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हैदराबाद में 170 से ज्यादा चेक पोस्ट और चेक पॉइंट्स मौजूद हैं। ये सभी चेक पोस्ट, चेक पॉइंट में के पास वायरलेस है और रेगुलर मॉनिटरिंग चल रही है। इस चैलेंजिंग टाइम में आप और हम एक हैं, आपका और हमारा मकसद एक है, आपका और हमारा एफर्ट भी एक होना चाहिए। आप घर में अंदर रह के इस जंग से, इस वायरस से जंग करें, हम सड़कों पर इस वायरस से जंग करते हैं। और आखिर में आपके और हमारे पूरे डिपार्टमेंट के तरफ से एक बार फिर मैं उन तमाम डॉक्टरों को, नर्सेस को, टेक्निकल स्टाफ को, सफाई कर्मचारी को जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं 24 आवर्स इस वायरस से लड़ने के लिए, उनको सलाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। जय हिंद। अंजनी कुमार, कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबाद।